केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी स्थित क्राइम ब्रांच के दफ्तर पेश हो गया। पुलिस ने आशीष मिश्रा नूं अज सवेरे 11 बजे पेश होने लिए कहा सी। आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच वालों दिती गई सवेरे 11 बजे की डेडलाइन तो करीब 25 मिनट पहला क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा। पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी और विशेष जांच टीम पहला ही क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच चुकी सी। जांच टीम के सामने आशीष की पेशी लई पुलिस लाइन विच सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए सन। हर जगह बैरीकेड लगाए गए ने, हर जगह पुलिस मुलाजमान की तैनातगी की गई सी। जिक्रयोग है कि क्राइम ब्रांच ने आशीष मिश्रा नूं समन जारी किया सी। क्राइम ब्रांच वालों आशीष मिश्रा नूं तलब किया गया सी अते 9 अक्टूबर नूं दिन दे 11 बजे तो पहला पेश होने लई कहा गया सी। आशीष दे किसानां ते कार चढ़ाउण दे दोष ने उत्थे ही सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार नूं फटकार तो बाद बीते दिन इस मामले ते खुद मंत्री अजय मिश्रा का बयान सामने आया सी। अजय मिश्रा ने कहा सी कि मेरा बेटा कल यानी कि शनिवार नूं पेश होवेगा अते इस मामले विच पुलिस नूं सहयोग भी देवेगा। वह किते नहीं भज्या, वह निर्दोष है। अज उसकी सेहत ठीक नहीं सी, वह कल जांच एजेंसी सामने सबूतों समेत पेश होवेगा। जांच होण देवो, सब सच सामने आ जाएगा। इस तों इलावा अस्तीफे की मंग बारे अजय मिश्रा ने कहा सी कि विरोधी धिर का काम अस्तीफे की मंग करना है। अजय मिश्रा ने कहा कि मेरा बेटा उस घटना विच शामिल ही नहीं सी। चंडीगढ़ तो PBC न्यूज़ लई ब्यूरो रिपोर्ट।